तो श्राइन बोर्ड के मुद्दे पर जहां महापंचायत हुई, वहीं इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने खड़े हैं। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध का बिगुल गूंज दिया है। सरकार के खिलाफ तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर आए हैं। चारों धामों को श्राइन बोर्ड में शामिल करने के फैसले को काला कानून बता रहे हैं। अगर फैसला वापस नहीं लिया तो 4 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी अपना ये काला कानून, जो कि चार धाम श्राइन बोर्ड एक्ट उन्होंने लागू किया है, उसको वापस नहीं लेते हैं। तो हम लोग चारों धाम के हकधारी पुजारी लोग एकत्रित होकर के 4 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। दरअसल सरकार ने कैबिनेट बैठक में चार धाम श्राइन बोर्ड के गठन का फैसला किया है, जिसके बाद चार धाम क्षेत्र के 51 मंदिर श्राइन बोर्ड के अधीन आ जाएंगे, जिस पर तीर्थ पुरोहित नाराजगी जता रहे हैं। श्राइन बोर्ड पर छिड़े संग्राम में कांग्रेस भी सियासी तड़का लगाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस भी विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। यहाँ उत्तराखंड में ये देखने को आया कि बिल्कुल दरकिनार तीर्थ पुरोहितों को कर लिया गया और मंदिरों के बारे में निर्णय लेने में उनकी ओपिनियन को कहीं पर नहीं रखा गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर आप उनको उनके साथ समन्वय बैठाकर उनके साथ बातचीत करके यहाँ के मंदिरों के रखरखाव के लिए एक बेहतर योजना बनाते तो शायद वो पूरे प्रदेश के हित में होता। वहीं बीजेपी की माने तो सरकार का किसी के हक हकूक पर पाबंदी का इरादा नहीं है और कांग्रेस सिर्फ सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का श्राइन बोर्ड के बारे में वक्तव्य निंदनीय है और वे एक धार्मिक व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। ना तो उनके हक हकूक में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा और ना ही किसी प्रकार से पूजा पद्धति जो परंपराएं हैं उनमें किसी प्रकार का दखल दिया जाए। 4 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में इस मामले की आंच सदन के पटल पर जाती दिख रही है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ बलबीर परमार, उत्तरकाशी।